यहाँ पे मम्मी बेचारी की तबीयत खराब हो गई है, डिग्गी खोल देते हैं पीछे से और इनको इस तरह बैठते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज मैंने बड़ा ही अनोखा फैशन किया यार, टी शर्ट के साथ झुमके पहने हैं ये देखो। खैर मिट्टी पाव मिस कराओ। हीरा गई हुई है शूट पे, रात तक आ जाएगी घर। राबिया जो है दोस्त की बर्थडे पे जा रही है, मैं मामा और जैनब जो है ना आज इतनी गर्मी में बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, झूले वूले लेने, खाना वाना खाने, तो पहले जाके नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। रुक जाओ, ये तुम बर्थडे पे जा रही हो ना त्योहारों के? बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ, मेरी दोस्त का पूरा गिफ्ट। रात को मैंने लोगों को दिखा दी हुई थी ये सारी चीजें। हाँ। अंदर क्या क्या है? ऐसी दोस्तें यस करवाओ जो ऐसे गिफ्ट देती हैं। यानी तू? हाँ मैं, मतलब एक सेकंड, इससे पूछ के मेरी अलमारी से मेरी नई जूती निकाली है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी। इससे पूछ के तुमने मेरी ये जूती पहनी है? मेरे से फुल मैच हो रही थी ना, मेरे साथ तुम मेरी पहनती हो ना, मेरे बैग लेती हो ना, मैंने ले लिया। रावे ये कुत्ते वाला बैग फिर क्या है साथ? इसके अंदर मेरा स्विमिंग सूट है। क्यों? इसके अंदर शर्ट और पजामा है कि वहां जाके स्विमिंग करनी है, पूल पार्टी है। ये तो पूरी मस्ती करने जा रही है, बर्थडे अलग है साथ पूल पार्टी अलग है। इसके तो आज छशके लगे हुए हैं। तुम अपनी दोस्तों के बर्थडे से जाती हो, यस चैलेंज करती हो, मैं ना जाऊँ पूल पार्टी। ये राबिया की हेड टू टो फुल लुक है भाई, बन सवर के नीचे पहने हुए फातिमा के प्यारे से जूते, साथ ब्लैक बैग पकड़ा हुआ है। ये अपने साथ जैनब को क्यों लेके जा रही हो? जैनब का साथ होना जरूरी है। एंड आई एम रेडी। और ये इयररिंग्स मुझे फातिमा ने सजेस्ट की है। हाँ, मैंने ही अच्छी सजेस्ट की। मैं जा रही हूँ, गाड़ी आ गई है। ओह माय गॉड, गाड़ी नहीं आ गई, ऊबर आ गई है तेरी निकल अड्डी। तू फातिमा ऐसे नहीं सबको बोल के स्कीमें बताओ। हाँ जी मम्मी, तैयार श्यार हो गई हो? आज मैं झूले लेने गया। ये मैंने मदर्स डे वाले दिन सबको कहा था मैंने झूले लेने, मैंने झूले, तो आज मुझे फातिमा झूले दिलवा। मैंने लास्ट से मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गया था, मुझे थोड़ा सा डर लगा था। छोटा बच्चों वाला डर नहीं। हाँ वैसे है छोटे बच्चों का ही, लेकिन मजा आएगा, इट विल बी फन। आज हमने फन कर। शर्ट के ऊपर कौन झुमके पहनता है? ये बाबूराव का स्टाइल है। लोग टॉपस पहनते हैं, कुछ छोटे छोटे रिंग्स पहनते हैं, तो इसने चुमकू पा लिया है। इंग्लिश ऊपर दे। हाँ आजकल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? भूल गया, भूल गया, जब याद आएगा फिर बता देना। अभी मैं देख रही थी, भूल गई। ओए होए, आए हाय, बदो बदी बदो बदी बदो बदी। सारे गाने क्रॉस, बदो बदी गाना ठीक। किसने आगे बैठना है, किसने पीछे बैठना है? आज जैनब को मौका देती हूँ। आज जो है ना गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा जैनब को, मामा पीछे बैठेंगी, मैं थोड़ी बहुत इसको बस सोसाइटी तक गाड़ी चलाऊंगी, फिर आगे से गाड़ी ले लूंगी। जाते हुए गाड़ी चलाएगी जैनब और वापसी पे गाड़ी चलाएंगी मामा। मामा आप सही, आज गाड़ी साफ कर रही है। मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ साफ करके जाती। पापा की ड्यूटी मामा पूरी करती है। बल्कि लाइन छोड़ दे, मैं कर लेती हूँ। हमारी गाड़ी यार काफी मिट्टो मिट्टी हो गई है, गाड़ी को साफ करना भी एक चैलेंज है। ये क्या कपड़ा आपको अब दिख रहा है? पापा कितनी मेहनत से गाड़ी साफ किया करते थे, आप सिर्फ यही कहती है मैं किचन साफ करती हूँ, मैं घर साफ करती हूँ। मैं घर के साथ साथ गाड़ी भी सबर करे, मुझे सबर कर, मेरी मामा को नीचे ना दे दी। चढ़ाई की यार तो दू जाता ही यार, अब ये गाड़ी चला रही है। स्टूडेंट है ये दो मेरी। मेरा ध्यान वैसे फुल व्लॉगिंग बनाने की तरफ है जैनब, बस प्लीज गाड़ी मत ठोक देना। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। बस ब्रो जितनी जैनब को हमने गाड़ी चलाने देनी थी चला दी है, अब जो है मेन खतरनाक रोड आ गई उस पे मैं ही चलाऊंगी। तो यार अब हम लोग पहुंच चुके हैं झूले वाली जगह। जैनब अपनी फौज के साथ, एक दो तीन चार, चार दोस्तें आ चुकी हैं। अब सबसे पहले बताओ कौन सा झूला लेना है। सबसे पहले जो है हम ये वाला झूला लेंगे, उसके बाद जो है हम ये वाली बोट शॉट लेंगे। अगर किसी को डर लगा तो अपने रिस्क पे है भाई। नहीं लगता, नहीं लगता मामा, आपको डर लगता है? पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ये ले रही हूं। गाइस यू रेडी? मामा अच्छा इस तरह बैठ जाते हैं, ये हमें मिलेगी ताकि हम इसको पहन के बैठे। मामा बस घबराना नहीं, प्लीज रोको। ये टूट ना जाए बस यार, पाकिस्तान के झूलों पे भरोसा नहीं है। सही है, डर तो नहीं लग रहा? मजा आ रहा है। यहाँ तो बनता है बोलना, ओए मजा बदो बदी। अंकल थोड़ा और दे दे, ये 100 रुपए का झूला था, अंकल थोड़ा 100 रुपए में और झूला दे दे। ओ इसमें इतने चक्कर नहीं आए, बचत हो गई है सीन। बोट में बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। अरे ऊपर से हम पानी शानी, पानी तो ये ले मम्मा भाई, पानी शानी पिए ताकि चक्कर ना आए। वो तो जैनब और उसकी दोस्त है तो एकदम झकास है, उनको कोई लेना देना ही नहीं। मामा यहाँ से बहुत ऊंचा झूला होता है, यहाँ नहीं बैठना, आप यहाँ बैठे मेरे साथ। मैं लास्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, वहाँ पे बहुत डर लगता है। इनको देखो सही ट्विनिंग करके आई हुई है यार, एक जैसे शर्ट।
हम तो बहुत ही नीचे बैठे हैं, हमें तो हमारा इनका बहुत खुश है। यार मेरी तो भाई एक झूले के बाद बस हो गई और तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इन लड़कियों का हौसला देखे जो दूसरी बार यहाँ पे चढ़ के बैठ गई है। पहले के लोग वहाँ बैठी थी, अब ये लोग यहाँ चढ़ के बैठ गए। स्टिचेस लगे हुए लेकिन फिर भी जवानी नहीं छोड़नी, हमने झूले लेने हैं। सांस रुक जाए लेकिन मस्ती अपनी नहीं रुकनी चाहिए, मस्ती चालू करें भाई। मेरा और मामा को तो दिल घबराना शुरू हो गया। हम बस तुम लोगों के इतने फनी फेसेस थे ना जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं बेटा। भाई यहाँ पे मम्मी बेचारी की तबीयत खराब हो गई। मम्मा आए कोई सोडा वोडा पीते हैं, अब अपनी तबीयत से ठीक करते हैं। ये ऐसे ही होते हैं झूले भाई, पानी शानी पीते हैं। गर्मी में झूले लेने का कोई हाल नहीं है। ये हम नहीं ले रहे, हमें लग रहा है जैसे ये गोल गोल घूमेगा ना तो इसमें बहुत ही हमें चक्कर आएंगे, ऐसे हमारा शेक ऐसे 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 हमारा शेक बन जाए। आप सब लोग जो है ढाबे पे आके बैठ चुके हैं खाना वाना खाने के लिए। इस ढाबे पे खूब सारे खाने वाने हैं मजे मजे के, चुटपुटे शॉर्मे, आइसक्रीम, चिप्स, पता नहीं क्या क्या। यहाँ से हम कुछ ऑर्डर करते हैं। ये आ चुके हैं इतने मजे के गोलगप्पे और साथ मिट्टी के बर्तन दिए हैं जिसमें हमने पानी शानी डालना है। और कितने प्यारे जग में यार पानी है। मुझे भी पकड़ाओ। कैसा है मम्मी, मजे क्या? गोलगप्पों की तो बात ही अपनी है, लड़कियां जहाँ बैठी और गोलगप्पे ना खाए हो ही नहीं सकता। लेके हमारा इतना दिल खराब हुआ है थोड़ा सेट। अब सब लड़कियों ने जो है हमारी गाड़ी में फिट होना है, तो इनके अब तरीके देखना गाड़ी में फिट होने के। एक लड़की इधर बैठ गई है, मामा मेरे साथ आगे बैठ जाएंगी और ये भी आगे बैठेगी। इनको देखो, ओ माय गॉड, ये बंद नहीं करना, नहीं ये खुला रहेगा ऐसे ही। बहुत मजे का होता है, सब हमें देखेंगे, सब हमें देखेंगे का क्या लॉजिक है तुम लोगों का? बहुत अच्छा सीन, मतलब इसको बंद नहीं करना और गाड़ी भी मैं ऐसे ही चलाऊंगी तुम लोग के पैर। मुझे तो डर लग रहा है अभी, मैं गाड़ी थोड़ी शूटर भगाऊं तुम लोग ऊपर। इनके कहने पे गाड़ी का हम डिग्गी खोल देते हैं पीछे से और इनको इस तरह बैठते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी चला के किसी खाने पीने की और ठूसने की लोकेशन पे। वो डिग्गी खोल के बैठी है, कह रही है कि हम नहीं गिरेंगी। गाड़ी ने भी हमें इंडिकेट कर दिया है कि भाई पीछे आपकी डिक्की खुली हुई है और वो देखे येलो येलो वार्निंग साइन दे रहा है। तमाशे शुरू किए हुए हैं। मुझे काफी दिक्कत तो हो रही थी गाड़ी चलाने में, लेकिन अब उतर जाओ महारानियों, उतर नहीं से चलो 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 चलो। नहीं पैसे से दरवाजा जल्दी बंद करो, उतरो उतरो उतरो। ये हमने सवारियां छोड़ दी हुई है, बंद करो इसे, इनू तो बंद कर दो। चलो टका डंपलिंग्स और ये काफी मजे के लग रहे हैं। कच्चे नहीं होते, मैंने आपको पहले भी खिलाए थे लिबर्टी में, याद करें। ये कच्चे नहीं होते, ये ऐसे ही होते हैं। टंग टंग लड़कियों खाना आ गया, इधर आके खा लो। ये आ गया हमारा मजेदार सा खाने में चाउमीन, यम 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 यम। और ये साथ में हमने मंगवाए हैं एग फ्राइड राइस और ये साथ में चिकन चिली ड्राई, वो हमने मंगवाया ही नहीं। तो यार झूलों मूलों से हम लोग हो आए थे और अगले दिन की मॉर्निंग हो चुकी है। नीचे चलते हैं, जाकर के नाश्ता करते हैं, देखते हैं घर पे क्या सीन पार्ट चल रहा है। देसी घी हमारे घर पे ही बनता है और ये देखो भाई मामा बना रही है। आज का ब्रेकफास्ट है बन और उसके साथ मेरी मम्मी की बनाई हुई ये लस्सी, मीठी लस्सी पीऊंगी साथ। तुम यहाँ पे क्यों तैयार हो रही हो? मैंने ना तुमसे इंस्पायर होके कोई चीज करने लगी हूँ, सोचो क्या। मेरे से इंस्पायर होके तुम क्या करने लगी हो?
यार तुमने अपने दोस्तों के साथ यस चैलेंज किया था। मैंने किया था अपने वैसे दोस्तों के साथ यस चैलेंज, तो बस मेरे दोस्तों ने तेरा ब्लॉग देखकर कहा कि हमारे साथ भी करो। अच्छा। पीछे पड़ गई वो मेरे के लिए यस चैलेंज करो, खूब सारे पैसे लाना, बहुत मजे करेंगे। भाई ये फाता ने क्या तो भाई आज यस चैलेंज करने जा रही है दोस्तों के साथ यस चैलेंज करूंगी, देखते हैं क्या होता है। ओके, अपनी छोटी बिल्ली हाथ में पकड़ी हुई है, इसको छोड़ दो, आ गया तुम्हारा भाई ड्राइवर। चलो जब मैं जा रहा हूँ। आ गई है ज़ैनब की कैब बाहर, दौड़ जा दौड़ जा दौड़ जा दौड़ जा। अच्छा अच्छा यस चैलेंज करा के आई दोस्तों से। ओए पैसे दो। ज़ैनब यहाँ से मामा से पैसों की ठगी लगा रही है। अच्छा कितने पैसे मिले हैं मामा से? 2000 दे दे मामा, 2000 से ज्यादा ना देना इसको। कितने मिले हैं? 5000 कहा था, 4000 मिल गए। अच्छा 4000, मैंने तो कहा था 2000 दे। कह रही है दो वापस लाऊंगी। एक तो हमारे घर में इतने पार्सल आते हैं, इतने पार्सल आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अभी भी बाहर बेल हुई है, पार्सल पिक करते हैं। ये पड़ा हुआ है हमारा एक पार्सल। किसको आया ये पार्सल? इतने बड़े बड़े हमारे घर ट्रॉले आते हैं पार्सल देने के लिए। ही दरवाजा भी हमारा मोटा हो गया, फूलिया बंद नहीं होता ठीक से। ये पार्सल आया है हीरा को। ये लो हीरा अपना पार्सल खोल लो। वाली चीजें हैं, टूटने वाली तो टूट जाए ना। तुम हमेशा यही करती हो अपने नन्हे पैरों से। डस्टबिन है, डस्टबिन नहीं है, इसने अपने रूम के लिए चीजें मंगवाई हैं, लेकिन ये अपने व्लॉग में खोल के दिखाएगी आपको। मैं डेकोर करने के लिए, मैं बस ये कह रही थी कि तुम आराम से लेके आओ, मैं इस काबिल बनूं कि मैं डेकोर कर सकूं। जो इससे अपना रूम डेकोर करना ना, फिर ये दिखाएगी कुछ चीजें वीजे खोल के। खैर सांस चढ़ गया। फिर बेल हुई है बाहर, लगता है कोई नया पार्सल आया है। ये कौन सा पार्सल आया है? ये पार्सल नहीं है, ये राबे आई और खूब खाना लेकर आई है साथ। मैं भी मामा के लिए सैलेड लेकर आई हूँ। चलो ये पार्सल नंबर 2 आया घर पे। ये पार्सल जो है ना, ये है पार्सल मम्मी का, ये मम्मी का पार्सल। मामा आपके लिए राबे गिफ्ट लेकर आई है। थैंक यू राबिया। वाह जी वाह, ये मामा को मस्का आता है। किस जगह जाने की परमिशन चाहिए अभी बोल दे। परमिशन ही परमिशन, मम्मा इतनी अच्छी मेरी सारी जगहों की देखते हैं। चलो तो यार आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। होप सो कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो।